Assalamualaikum and welcome to Just Delicious with me, Sahej Lukman. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे. आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार सी the famous chicken bread की रेसिपी, but in my style. I'm sure आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना. Let's get started. सबसे पहले मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर लिया है 7 टेबलस्पून. अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी. इंस्टेंट यीस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून. अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. Now cover it with a cling wrap and keep it for 5 minutes. 5 minutes ho gaye hain, let's move on to our next step. Ab hum isme add karenge 1/2 cup all purpose flour. Ab isko achhi tarah se mix kar le till it's very smooth. नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल. ल्यूकवॉर्म मिल्क ऐड करें 5 टेबलस्पून. नाउ गिव इट अ नाइस मिक्स. अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट. मिक्स अगेन. फाइनली हम इसमें 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे. कंबाइन ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड मेक अ सॉफ्ट एंड स्ट्रेची डो. डू नॉट नेट द डो, जस्ट कंबाइन इट. अब डो को कंबाइन करके एक बाउल में रख दें. इट शुड बी दिस सॉफ्ट. अब इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करके रख दें और राइज होने दें टिल इट्स डबल इन साइज. चिकन की फिलिंग प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल. अब उसमें एक मीडियम साइज का चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे. अब हम इसको सौते करेंगे टिल इट्स ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा. नाउ गिव इट अ नाइस मिक्स और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें. अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे 1 कप. अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे टिल इट गेट्स थिक. अब इसका टेक्सचर थिक हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर मसाला. Add 1 teaspoon salt, 1 teaspoon black pepper powder, और 1/2 teaspoon गरम मसाला powder add करेंगे. अब इसको अच्छी तरह से mix कर लें और medium flame पर पकने दें. अब मैं इसमें green chili sauce add कर रही हूँ 2 tablespoon. आप इसमें chopped green chilies भी add कर सकते हैं और you can simply skip it if you don't like it. अब इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकने दें. और फाइनली वी विल ऐड अवर चिकन. चिकन को मैंने सॉल्ट और पेपर के साथ बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था. अब अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पकने दें. Now it's almost done. अब हम इसमें chopped
कोरिएंडर यानी धनिया ऐड करेंगे एंड दैट्स इट, हमारा चिकन फिलिंग रेडी हो गई है, लेट्स टेक आउट। हमारी डो बिल्कुल रेडी है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर चिकन ब्रेड। डो को बाउल में से निकाल लें एंड कीप इट ऑन अ क्लीन सरफेस। Slightly knead the dough and make a ball out of it. अब हम इसको 6 equal parts में cut करेंगे और balls की shape दे देंगे। अब एक ball ले लें और उसके ऊपर हल्का सा flour dust कर लें। Now flatten it in oval shape. अब हम हाफ डो में नाइफ या कटर की मदद से स्लाइड से कट लगा लेंगे। अब डो की प्लेन साइड को उसके ऊपर रख के फोल्ड कर लें, उसकी साइड्स को स्लाइटली सा प्रेस कर लें। अब हम उसमें चिकन फिलिंग ऐड करेंगे। अब दोनों साइड से डो को फोल्ड कर लें एंड गिव इट अ शेप लाइक अ समोसा और अ ट्रायंगल। मेक श्योर टू सील द एजेस। फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी हो गया है, इसी तरह से हम बाकी 5 और 6 भी प्रिपेयर कर लेंगे और इसको फ्लावर की शेप दे देंगे। Now finally we will do egg wash on the top. सबसे पहले ओवन को प्रीहीट कर लें ऑन 200 डिग्रीज और उसके बाद 180 डिग्री पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लें। Watching, I'm sure आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अभी जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं जा रही हूँ अपनी चिकन ब्रेड खाने, नेक्स्ट टाइम आऊंगी बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।